हाय एवरीवन, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं ट्रैवल ऑक्टोबर। आज मैं आया हूँ SMVT जो बैंगलोर में है। SMVT का फुल फॉर्म है सर एम विश्वेश्वराय रेलवे टर्मिनल। ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आपको AC फैसिलिटी मिलेगी और ये स्टेशन बाकी स्टेशन से बहुत ही अलग। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज़, ये है पार्किंग एरिया ऑफ SMVT सर एम विश्वेश्वराय रेलवे टर्मिनल। और यहाँ पे आपको ऑटोज खड़ी हुई दिख रही हैं, पर्सनल व्हीकल्स भी हैं। आप यहाँ से ओला कर सकते हैं, ऊबर कर सकते हैं, आपको सारी फैसिलिटी यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे पार्किंग एरिया बहुत ही बड़ा है, वहाँ पे आप बाकी सेक्शंस देख सकते हो, सारा खाली है। और फिलहाल के लिए मौसम बैंगलोर का बहुत ही सुहाना है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हो वो मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे पैसेंजर्स भी हमें दिख रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे क्योंकि ट्रेन का आना जाना यहाँ पे बढ़ गया है। जो पहली ट्रेन यहाँ पे इनॉग्रेट हुई थी वो 6 जून को हुई थी और तब से लेकर अभी तक काफ़ी ट्रेन यहाँ पे मूव कर रही हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी फैसिलिटी मिल जाएगी। मैं अभी करेंटली मेन गेट पे खड़ा हूँ और वहाँ पे जो मुझे डोर दिख रहा है वो ऑटोमेटेड डोर है, तो वहाँ पे एंट्री करेंगे, सारे डोर्स ऑटोमेटिक हैं यहाँ पे। तो आपको ये इंडिया का पहला ऐसा रेलवे टर्मिनल है जो सेंट्रलाइज AC फैसिलिटी के साथ आता है। कहीं से भी नहीं लगता कि ये एक रेलवे स्टेशन है, आपको एक पूरा एयरपोर्ट का फील देगा। बाहर से इतना अच्छा लग रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अंदर से भी काफ़ी अच्छा होगा। हम चल के एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल ये एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ से एंट्री होगी हमारी और एग्जिट के लिए वहाँ पे 2 डोर्स बने हुए और एंट्री के लिए भी यहाँ पे 2 डोर्स है। फिलहाल के लिए भीड़ है, काफ़ी टाइम हो गया इसको ओपन होते हुए, तो हम आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि टिकट की फैसिलिटी कैसी है और जो अंदर में बैठने की सुविधा है और बाकी जो वेटिंग हॉल है वो कैसे दिखते हैं। गाइस, आप जो देख रहे हो यहाँ पे टिकट दिए जाते हैं और ये आपकी ATVM भी आपको मिल जाती है, आपको ATVM की फैसिलिटी है, लेकिन आपको यहाँ से सिर्फ जनरल टिकट्स मिलेंगी, आप लोकल ट्रेन ले सकते हैं। और ये एक हमारा अच्छा सा डस्टबिन यहाँ पे मिल रहा है, मुझे यहाँ पे गंदगी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। एक हमारे पास वेट वेस्ट है और एक ड्राई वेस्ट है, तो दोनों की फैसिलिटी है। और जो बेस्ट पार्ट है वो है चार्जिंग स्लॉट्स, पैसेंजर्स को काफ़ी ज़रूरत पड़ती है चार्ज करने के लिए अपने डिवाइसेस, तो उनको ये फैसिलिटी दी जा रही है। और ये फैसिलिटी हर एक कॉर्नर में मुझे दिख रही है, यहाँ पे भी एक चार्जिंग स्लॉट है और एक चार्जिंग स्लॉट वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। और ये जो यहाँ पे आपको बैठने का एरिया दिख रहा है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, और ये आपको एक लेदर वाला फील देगा जो चेयर है आपके। और आप देखोगे हर एक सेक्शन के बगल में आपको एक स्पेस दी जा रही है जहाँ पे आप अपने डिवाइसेस रख के उनको चार्ज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे रख के कुछ काम कर सकते हो या खा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए आपको यहाँ पे सिंक दिया जा रहा है छोटा सा, जहाँ पे आप अपने हाथ साफ कर सकते हो, अगर आपको मुंह धोना है कुछ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें काफ़ी नई, ये नॉर्मल स्टेशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हर जगह पे एक चार्जिंग स्लॉट है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी है यहाँ पे। तो ये आपका टिकटिंग एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे आपके बहुत सारे काउंटर्स हैं जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप टिकट्स ले सकते हैं, नॉर्मल टिकट्स ले सकते हैं, आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। फिलहाल मुझे प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ेगा ताकि मैं प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर सकूँ, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से बाकी का व्यू कैसा आ रहा है और मैं आपको पूरा एक्सप्लोर कराऊँगा कि ये स्टेशन क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है और इसको इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड AC टर्मिनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पैक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऊपर में जो आपको इंटीरियर में फील आ रहा है वो एक एयरपोर्ट के जैसा है। और यहाँ से बैंगलोर का व्यू बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मौसम बहुत अच्छा है, आप दूर तक देख सकते हो वहाँ पे कितनी साफ़ सफाई है। मैं फ़िलहाल जाके एक टिकट लेता हूँ, प्लेटफॉर्म टिकट, और देखते हैं कैसे काम कर रही है चीज़ें। तो गाइज़ ये काउंटर्स है, आप यहाँ से अपनी टिकट्स ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए सारे काउंटर्स
ओपन नहीं है क्योंकि पैसेंजर्स की अवेलेबिलिटी अभी कम है। तो मैंने भी प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया है और यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे एक अलग वेटिंग हॉल बनाया हुआ है और ये वेटिंग हॉल बिल्कुल अलग है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे सेम चेयर्स है जो हमने यहाँ पे देखा था। काफ़ी बड़ा स्पेस है और आपको रेस्ट रूम्स मिल जाएंगे इंडिविजुअली। तो ये जो रेस्ट रूम्स हैं, देखते हैं क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की इन लोगों ने एज कम्पेयर टू बाकी स्टेशन जो हैं हमारे। काफ़ी साफ है, अच्छी क्वालिटी के सिंक्स और अच्छे खासे सेक्शंस बनाए हुए हैं जो आपको एयरपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है। तो ओवरऑल इट्स गुड। तो ये आपको एक अच्छा खासा नेविगेशन दे देता है कि आपको कहाँ पे एक्सप्लोर करनी है चीज़ें। और एक जो नई चीज़ मैंने देखी है, ऑब्जर्व की है स्टेशन पे, वो है एस्केलेटर। तो ये काइंड ऑफ एयरपोर्ट की फीलिंग दे रहा है और ये आपको एक अलग से स्टेयर्स मिल रही है। गाइस, मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि मैं एक रेलवे स्टेशन पर आया हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक नॉर्मल अच्छा खासा डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आया हूँ जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ है। तो करेंटली भी मैं सेंटर पोजीशन हूँ, आप देख सकते हो कि किस तरह से इन लोगों ने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे मैं अभी आया और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा खासा डिज़ाइन बनाया हुआ है ये रेलवे स्टेशन पे। और ये जो आप ऊपर का लुक देखोगे तो इट्स अमेजिंग। लगता ही नहीं है कहीं से भी कि ये रेलवे स्टेशन है। आप चारों तरफ देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। ये आपको एक छोटा सा कैफ़े मिल रहा है और जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ यहाँ पे और भी कैफ़ेज़ खुलेंगे क्योंकि अभी स्टेशन नया नया बनाया है। और वहाँ पे भी एक अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे भी एक कैफ़े दिख रहा है मुझे, तो वहाँ पे भी आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। और अभी मैं ऊपर हूँ, यहाँ से मुझे प्लेटफॉर्म 2 से 7 के लिए जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। यहाँ से आपको जो व्यू दिख रहा है बहुत ही अमेजिंग है। तो अच्छी खासी फैसिलिटी इस स्टेशन पर प्रोवाइड की गई है। डोर्स सारे ऑटोमेटिक, आपको फील नहीं आएगा कि आप एक नॉर्मल स्टेशन पर है। सारे डोर्स यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए। और ये अभी मैं फुट ओवर ब्रिज पे हूँ, काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे, यहाँ से अच्छा व्यू इन्जॉय कर सकते हैं आप। ये फैसिलिटी आपको अच्छी खासी दी गई। और ये अभी हम प्लेटफॉर्म 1 के ऊपर है करेंटली, और आप देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से आपको डस्टबिन फुट ओवर ब्रिज पर भी मिल जाता है और ये आपको प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए एक अच्छी खासी सीढ़ी दी गई। एस्केलेटर्स प्लेटफॉर्म्स में नहीं लगे हुए तो आपको यहाँ पे सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आपको एक बहुत ही चौड़ी सीढ़ी मिलती है जहाँ से अगर आप भीड़ भी होती है तो आप आसानी से उतर सकते हो। अभी मैं एकदम एंड पर आ चुका हूँ, यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स हैं जिस फुट ओवर ब्रिज से मैं आया हूँ। और वहाँ पे मुझे एक एक्सटीरियर में एक यार्ड में एक ट्रेन खड़ी ही दिख रही है। यहाँ से जो व्यू आ रहा है गाइज, मैं बता नहीं सकता आपको कितना अच्छा लग रहा है। और ऊपर से बैंगलोर का मौसम, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अनदर लेवल पे है। और गाइज, ये स्टेशन अभी खाली है, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि बहुत ही कम ट्रेन्स हैं जो यहाँ पे अभी आ रही हैं, चल रही हैं। और मैं अभी करेंटली प्लेटफॉर्म 6 और 7 पर हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे रहे हैं। स्टेशन बहुत ही क्लीन है, वहाँ पे आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक अंडरपास बना हुआ है जो आप यूज़ करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आपके पास अच्छा खासा सामान है तो आप उसको सीढ़ियों से ले जाने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, उसके लिए आपको अंडरपास बनाया हुआ है जहाँ से आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा सकते हैं। गाइज, ये रहा जो अंडरपास इस टर्मिनल पर बना हुआ है। हम जाकर देखते हैं यहाँ पे क्या है अंदर एक्चुअली और कितना टाइम लगता है यहाँ से अगर किसी को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना। गाइज, ये जो अंदर में लाइट्स लगाई हुई हैं और जो फील आ रहा है ना, वो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है और जो नॉर्मल स्टेशन्स पर आपको नहीं मिलेंगे। ये एक नई चीज़ है जो स्टेशन पर
बनाई गई है। डस्टबिन आपको हर जगह दिखेंगे, आपको यहाँ पे लोग दिखे या ना दिखे डस्टबिन ज़रूर दिखेगा। गाइज मैं अभी अंडरपास पे आ चुका हूँ और यहाँ पे जो मुझे पार्क दिख रहा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देख के, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो पाथ गाइस जो आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने में मदद करेगा। ये अंडरपास है, मैं यहाँ पे देख के हैरान हूँ कि कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया। यहाँ पे आपको गाइड मिल जाता है कि आपको 607 पे जाना है, तो मैं करेंटली वहीं पर हूँ, और 1 से 5 पे जाने के लिए आपको ये पाथ लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कि बैंगलोर के बारे में आपको क्या चीज़ें हैं, क्या फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। हमारे पास चिन्नास्वामी स्टेडियम है, उसकी तस्वीर आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद फ्लावर शो है आपका लाल बाग में, फिर हमारा बैंगलोर पैलेस है, वी हैव बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। तो आपको जितनी फैसिलिटी है यहाँ पे बैंगलोर में आप जहाँ पे घूम सकते हो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई गई है। टीपू पैलेस, मानेकशॉ परेड ग्राउंड, फिर हमारा जनरल पोस्ट ऑफिस, कैंपेगौड़ा, बीगल रॉक पार्क, बिग बनियान ट्री, मतलब आप एक्सप्लोर करते रह जाओगे। जैसा कि मैंने बोला, आपको यहाँ पर लोग मिले ना मिले दो डस्टबिन आपको एक साथ ज़रूर दिखाई देगा। मैं प्लेटफॉर्म 1 पर जा रहा हूँ, वहाँ पे देखते हैं कि क्या फैसिलिटी है डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि प्लेटफॉर्म 1 एक एंट्री पॉइंट होता है मोस्टली पैसेंजर्स के लिए। तो चलकर देखते हैं वहाँ पे। गाइज ये जो आप देख रहे हो ये सिटिंग एरिया है, एंड इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी डिफरेंट है। जो आपको नॉर्मल चेयर्स मिलती हैं स्टेशन पर उससे काफ़ी डिफरेंट, और उसके अलावा आपको एक चीज़ मिलती है चार्जिंग करने के लिए सॉकेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको USB पोर्ट दिख रहे हैं, आप वहाँ पे USB पोर्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर। और मुझे यहाँ पे स्टॉल्स भी दिख रहे हैं जहाँ से आप अपने खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको लोग दिखे या ना दिखे आपको दो तरह की डस्टबिन दिखेंगी जो अभी आपके सामने है। तो इस स्टेशन पर हर एक जगह पे हर 100 मीटर पर आपको डस्टबिन मिल जाएंगे, तो साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर। गाइस यहाँ पर जितनी साफ़ सफाई मेंटेन की गई है मुझे लगता नहीं है कि बाकी स्टेशन्स पर ऐसा कभी किया होगा। हालांकि अभी पैसेंजर्स का आना जाना अभी कम है स्टेशन पर, कुछ समय बाद ही हमें पता चल पाएगा कि स्टेशन को कितना साफ़ रखा जा रहा है। ये आपको एक अच्छा खासा डिस्प्ले मिलता है, ये मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि एक रेलवे स्टेशन है। जिस तरीके से इसका डिज़ाइन है, जिस तरीके से यहाँ पे बैठने के लिए इंतज़ाम किया गया है, और जितना बड़ा एरिया यहाँ पे इन लोगों ने दिया है वो बहुत ही अलग है जो नॉर्मल स्टेशन पर हमें मिलता है। गाइज यहाँ से आपको जो व्यू मिल रहा है बैंगलोर का, जो मौसम है और जिस तरीके से स्टेशन को बनाया गया है, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हो गाइज मैं भी प्लेटफॉर्म 1 के एंड पर आ चुका हूँ। मेरे सामने जो आपको वो टर्मिनल दिख रहा है वहाँ पे आपको एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट मिल जाएंगे, और ये रहा प्लेटफॉर्म 1 का एंड। यहाँ से आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स भी दिख जाएंगे, टोटल यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म्स हैं। आप यहाँ से देख सकते हो अभी कैसा व्यू आ रहा है। मैं फुट ओवर ब्रिज पर हूँ जो यूज़ करके लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, और ये आप देख सकते हो जो आर्किटेक्चर है, जो डिज़ाइन है वो नॉर्मल स्टेशन से बिल्कुल ही अलग है। ये सारे डोर्स यहाँ पे जो आपको मिलेंगे वो पूरे ऑटोमेटिक हैं, और जितने भी डोर्स हैं सारे ग्लास के बने हुए हैं। ये फ़िलहाल मैं वेटिंग एरिया में आया हूँ और यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ पहली चीज़। यह आप देख सकते हो जो इंटीरियर इन्होंने बनाया है, जिस तरह से डिज़ाइन यहाँ पे बनाया है, ये कहीं से नहीं लगता कि ये एक नॉर्मल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। ये बिल्कुल ही एक डोमेस्टिक, अच्छी खासी डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाली फीलिंग देता है। नीचे मैंने बताया था कि आपको हर जगह पर चार्जिंग स्लॉट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि लगभग हर एक पोल को छोड़ के आपको दूसरे वाले पोल पे चार्जिंग स्लॉट्स मिलेंगे, और एक नहीं आपको बहुत सारे चार्जिंग स्लॉट्स मिलेंगे। उसके साथ आपको USB पोर्ट्स भी मिलेंगे जहाँ पे आप सीधे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो।
यहाँ पर आपको दो डोर एंट्री के मिलेंगे जहाँ से एग्जिट पॉसिबल नहीं, और आपको दो डोर एग्जिट के मिलेंगे जहाँ से आपको एंट्री पॉसिबल। ये मेरा एक टूर था SNVT का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती थी स्टेशन पर, और ये बताएं कि अगर आपको कोई और प्लेस एक्सप्लोर करना है जो बैंगलोर के पास है जिसे मैं एक्सप्लोर कर सकूं, आपको बता सकूं कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, सी यू।